नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष के नेता अमर बाउरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने और क्या क्या कहा, चलिए सुनते हैं। इसके बाद अनंत ओझा का आप रोड शो भी देखेंगे। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहेबगंज। झारखंड के अंदर भी 3 लोकसभा, साहेबगंज, राजमहल गुड्डा और दुमका, ये 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अपने 1,40,00,000 जनता के लाडले प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनने के लिए अब की बार 400 के पार के नारी के साथ मैदान उतरी थी एनडीए गठबंधन। और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अंतिम के 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वो अभी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष एक रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है, वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है तुष्टिकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे, झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5,00,000 रोजगार देंगे, 5,00,000 रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा कह करके कई एक वायदे करके वो सत्ता में आए थे। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे और भ्रष्टाचार करने लगे, उससे झारखंड की तो बदनामी हुई है, विशेषकर संथाल परगना की विशेष रूप से बदनामी। जिस राजमहल लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहिट है और एक विधानसभा पाकुड़ है। और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहां का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहां का नहीं है लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री, चूंकि विधायक है तो झारखंड का मुख्यमंत्री, यहां का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और बड़ा कॉम्पोनेंट है इस सरकार का, वो एक कैबिनेट मंत्री के, एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहां निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी, किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रूपये का बरामद भी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने। चुनाव आज अंतिम चरण में है और जिस प्रकार से पूरा देश आज मोदीमय है, उसी तरह से संथाल परगना और विशेष करके राजमहल लोकसभा क्षेत्र में भी जो जनता का मिजाज है, लगातार गांव-गांव में जाने पर मोदी 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 का ही उद्घोष हो रहा है। जिस गांव में हम गुजरते हैं उस गांव में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। तो देश और देश के साथ संथाल परगना की जनता और राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता भी मोदी जी के साथ चल पड़ी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वर्षों का जो सपना था, 500 वर्षों की तो जो पसला थी, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य रामलला का मंदिर बने और हम सब सौभाग्यशाली है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपना को उनका प्राण प्रतिष्ठा करके साकार किया है। धारा 370 का कानून हम जब
छात्र राजनीति में थे उस समय से नारा लगाते थे, आज कश्मीर से गुवाहाटी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दिया है। और इतना ही नहीं, गरीब कल्याण के माध्यम से मोदी जी ने सबका जीवन बदलने का काम किया है। चाहे 80 करोड़ परिवारों को अनाज देने की बात हो, 5 लाख तक का परिवारों को उनको आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिससे एक आम आदमी का जीवन बदला है, यह काम मोदी जी ने किया है। और युवाओं की आवाज मोदी जी, किसानों की आवाज मोदी जी, दलितों की आवाज मोदी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ को स्थापित किया, संविधान के साथ जिस प्रकार से इंडी अलायंस के लोगों ने लगातार खिलवाड़ किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने, आज ये मोदी जी आए हैं, उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देते हुए और उनके पंच तीर्थ को स्थापित किया, सिद्धो कानू चांद भैरव को उस माटी को नमन करके, भोगनाडी को माटी को नमन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। इसलिए हर घर से आवाज आ रही है, हर हर मोदी, हर हर मोदी।